डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना संक्रमित दो व्यक्तियों के मामले सामने आने के बाद अभी तक जिला से 534 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं, जिनमें से 462 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 14 नमूने रिपीट हुए हैं। अभी तक 58 नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने कहा कि दोनों संक्रमित व्यक्तियों में वायरस के स्रोत तथा उनके यात्रा विवरण का पता लगाया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के निगरानी दल, पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं पंचायतों के साथ मिलकर कार्य किए जा रहा है। अभी तक उनके प्राथमिक व द्वितीय संपर्कों में 445 लोगों की जांच की जा चुकी है और नजदीकी परिजनों और संपर्कों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि जिला की सभी पंचायतों में बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए पंचायतों की सहायता से निगरानी एवं सतर्कता बढ़ाई गई है। 17 अप्रैल को हमीरपुर से जो दो कोरोना के पॉजिटिव केसेज आए थे, उनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टेक्ट थे, उनकी हमने सभी की सैंपलिंग कर ली है और उसमें हमने टोटल 445 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उनमें जो सैंपल्स थे 22 तारीख के सैंपल्स को छोड़ के सभी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, सभी नेगेटिव हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो कंटेनमेंट और बफर जोन डिक्लेयर किया था हमीरपुर एपिक सेंटर को और जोर सफर एपिक सेंटर, दो एपिक सेंटर थे, उनके सराउंडिंग में जो भी 3 किलोमीटर और 5 से 7 किलोमीटर का एरिया था उसमें ACF एक्टिविटी चलाई थी, स्क्रीनिंग करी थी हमने एक्टिव केस फाइंडिंग। तो जो एपिक सेंटर है, दोनों ही एपिक सेंटर्स में हमने लगभग 55,461 लोगों को स्क्रीन किया है। उसके अलावा जो बाहर से लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिटर्न किए हैं या इंटरनेशनल से 295 थे, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मूव किया है, उसमें हम लोगों ने 16,455 लोगों को स्क्रीन किया है। तो इस सर्विलेंस की टीम ने पूरा हार्डवर्क किया है। कुछ लोगों को जो फ्लू लाइक सिम्टम्स थे उनके भी सैंपल भेजे हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। सो एंड स्क्रीनिंग करने के बावजूद भी हम लोग इन पे अभी भी वॉच रखे हुए हैं। जो अभी रिसेंट में बाहर से लौटे हैं उनको अभी हमने क्वारंटाइन में रखा हुआ है। थैंक यू।